जैसे शहर में 3 दिनों के अंदर जिस तरह से हरी सब्जियों की कीमत में उछाल आया है, आम आदमी के चेहरे पर शिकन आ गया है। 40 रुपए किलो दर से बिकने वाला टमाटर आज पटना के बाजार में 130 की दर बिक रहा है। आलू की कीमतें भले ही 20 रुपए किलो और प्याज की 25 रुपए किलो बाकी हरी सब्जियों में दामों में 3 दिनों के अंदर 2 गुना ज्यादा की वृद्धि हुई है। पटना के बाजार में भिंडी 60 रुपए किलो, नेनुआ 50 रुपए किलो, बैंगन 70 रुपए किलो व कद्दू 50 रुपए किलो, हरी मिर्ची 200 रुपए किलो सिद्धार पर मिल रही है। बाकी हरी सब्जियां की कीमतें भी इसी तरह के आसमान छू रही है। आमतौर पर बरसात का मौसम शुरू होते ही हरी सब्जियां की खेती प्रभावित हो जाती है, पर इस बार तो बिहार में बारिश हुई भी नहीं, शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद बिहार में और खास करके पटना के बाजार में हरी सब्जियां के दाम आसमान छूने लगा है। बाजार पर किसका नियंत्रण है यह आज तक पता नहीं चल पाया है। किसानों को उसकी उत्पाद तक उचित दर नहीं मिलता है। बिचौलिया बाजार का भाव तय करते हैं। पटना के आसपास के इलाकों में ही मौसमी हरी सब्जियों का व्यापक पैमाने पर खेती होती है। पटना के बाजार में जो हरी सब्जियां आम आदमी खरीदता है वहां आसपास के इलाकों में भी उत्पादित होता है। पटना के थोक सब्जी मंडिया की बात करें तो कच्ची दरगाह जहां दियार से व्यापक पैमाने पर हरी सब्जी आती है, उसके बाद अंटा घाट दिग्घा घाट की तरफ से आने वाले ट्रेनों से मीठापुर सब्जी मंडी के तरफ सबसे ज़्यादा हरी सब्जी थोक भाव में बिकने आती है। पटना के सब्जी विक्रेता यहीं से सब्जियां खरीद कर विभिन्न इलाकों में ले जाते हैं। थोक और फूट कर की कीमतें में 5 से 10 रुपए का अंतर होता है, पर फिलहाल यह अंतर 2 गुना 3 गुना हो गया है। आपके इलाके में सब्जियां की रेट क्या हो गई है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिलहाल अब दीजिए मुझे इजाजत, अभी तक का रिपोर्ट यही तक था, अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।